बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फाइलम प्लैटिहेलमिन्थी स्टार्ट किया था, जिसमें क्लास टर्बुलेरिया को हमने पढ़ लिया है। आज हम क्लास मोनोजीनिया और क्लास ट्रीमाटोडा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोजीनिया के बारे में पढ़ते हैं। मोनो मीन सिंगल, यानी कि जो मोनोजेनेटिक फ्लूक हैं उनमें वन जनरेशन होगी, ओनली वन जनरेशन इज़ प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल, और एक एग से एक ही अडल्ट बनेगा। इस वजह से इसको नाम मोनोजेनेटिक दिया गया है। उसके अलावा मोनोजीनियंस जो हैं वो मोस्टली एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, और जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं उसको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं, और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन फिशेस भी हैं। अब ये जो मोनोजीनिया ही अटैच होते हैं गिल फिलामेंट्स ऑफ होस्ट। गिल फिलामेंट्स किसको कहते हैं? गिल फिलामेंट बेसिकली एक गिल्स, फिश में गिल मौजूद हैं तो उन गिल्स के अंदर एक रेड फ्लैशी पार्ट होता है जिसको गिल फिलामेंट कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, दे टेक ऑक्सीजन इन टू ब्लड। तो गिल फिलामेंट आर दी रेड फ्लैशी पार्ट ऑफ अ गिल्स दैट टेक ऑक्सीजन इन टू दी ब्लड। तो ये उसके साथ अटैच होते हैं। और ये किस तरह की खुराक खाते हैं? दे फीड ऑन एपिथीलियल सेल म्यूकस और ब्लड। ये कहाँ पर फीड करते हैं? एपिथीलियल सेल्स में, म्यूकस और ब्लड में फीड करते हैं। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि इनमें जो है एक लार्ज पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ऑपिस थेप्टर, यानी कि इसमें एक अटैचमेंट ऑर्गन है जिसका नाम है ऑपिस थेप्टर। ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, ये इसकी पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। अब जो अडल्ट मोनोजीनियंस है वो क्या करते हैं? वो एग को रिलीज़ करते हैं। अडल्ट मोनोजीनियंस प्रोड्यूस एंड रिलीज एग, और वो जो एग है उसमें स्टिकी थ्रेड्स होती हैं, और वो स्टिकी थ्रेड जो हैं वो इसलिए हैं कि वो इसको अटैच करवाती हैं फ़िश गिल के साथ। यानी कि एक अडल्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है और रिलीज़ कर रहा है एग को, और वो एग जो है उसके स्टिकी थ्रेड्स होते हैं, और उन थ्रेड की वजह से वो फ़िश गिल के साथ अटैच कर सकता है। और फिर जब वो अटैच करता है तो फिर वो एक लार्वा प्रोड्यूस करता है, और वो लार्वा सिलिएटेड लार्वा है। इसमें जो लार्वा है उसका नाम है ओंकोमरिसेडियम, यानी कि जो हमने लास्ट में टर्बुलेरिया में लार्वा पढ़ा था वो मुलर्स था। अब क्लास मोनोजीनिया में जो सिलिएटेड लार्वा है उसको हम कह रहे हैं ओंकोमरिसेडियम, जो कि उस एग से हैच हुआ है। उसके अलावा फिर वो हैच होता है, लार्वा बनता है, फिर वो स्विम करता है और किसी और फिश के होस्ट में चला जाता है, और वो अटैच होता है किसकी मदद से? उसी एक अटैचमेंट ऑर्गन की मदद से जिसका नाम है ऑपिस थेप्टर, और फिर फाइनली वो एक अडल्ट बन जाता है। तो ये बस क्लास मोनोजीनिया छोटी सी थी। यहाँ पर ये इसके पिक्टोरियल व्यू है। यहाँ पे ये देखो ऑपिस थेप्टर है, ये अटैचमेंट ऑर्गन है जो इसकी पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है। ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये फेरिंग्स, और यहाँ पे एक प्रोहेप्टर ऑर्गन भी मौजूद है। प्रोहेप्टर इसकी इंटीरियर साइड पे होता है जिसको फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोहेप्टर को फीडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास इसका पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड पर ऑपिस थेप्टर मौजूद है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अडहेसिव ऑर्गन है, और इसको अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास ट्रीमाटोडा। क्लास ट्रीमाटोडा का क्या मतलब है? यानी कि ये परफोरेटेड फॉर्म होती है, होल्स होते हैं। अब इसकी जो क्लास है वो 8,000 स्पीशीज़ हैं पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स की, और ट्रीमाटोडा को कलेक्टिवली फ्लूक्स बोलते हैं। ट्रीमाटोडा आर आल्सो नोन एज फ्लूक्स। इनकी शेप वाइड होती है और फ्लैट होती है, यानी कि आप कहने चौड़े से होते हैं और फ्लैट शेप के होते हैं। अब हैबिटेट क्या है? कि जो अडल्ट फ्लूक्स होते हैं वो अडल्ट फ्लूक्स आर पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो अडल्ट फ्लूक्स होते हैं वो पैरासाइट हैं वर्टिब्रेट्स के, लेकिन जो इमेच्योर फ्लूक्स हैं वो किसके पैरासाइट्स हैं? वो वर्टिब्रेट्स के भी हो सकते हैं और इनवर्टिब्रेट के भी। जो अडल्ट हैं वो जस्ट वर्टिब्रेट के हैं, और जो इमेच्योर हैं वो वर्टिब्रेट्स में भी पाए जा सकते हैं और वो इनवर्टिब्रेट होस्ट में भी पाए जा सकते हैं। उसके अलावा ये प्लांट्स में भी इंसिस्ट कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और मेडिकल इम्पोर्टेंस है। अब इसके साइज़ की अगर बात करें तो इसका जो साइज़ है वो फ्लैट होता है, ओवल भी होता है, और ओवल से ये इलोंगेट भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये इलोंगेट नज़र आ रहा है, तो फ्लैट से ये इलोंगेट भी हो जाता है। इसका जो साइज़ है वो लेस देन 1 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर इन लेंथ हो सकता है। अब न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये होस्ट सेल पर भी फीड करते हैं, सेल फ्रेगमेंट पर भी फीड करते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माउथ मौजूद है और एक मस्कुलर पंपिंग फेरेंक्स भी मौजूद है, यानी कि माउथ भी है और मस्कुलर पंपिंग फेरेंक्स मौजूद है। अब जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी दो एंडिंग्स है, और वो ब्लाइंड एंडिंग्स है, यानी कि वो पाउचेस की फॉर्म में है, और उन पाउचेस को हम बोलते हैं सीकर,
या इसको सिंगुलर फॉर्म में हम बोलते हैं सीकम। अब यहाँ पे देखें इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दो इसकी पाउचेज हैं जो ब्लाइंड पाउचेज हैं जिसको हम सीकम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये इसका फेरेंक्स है। फेरेंक्स के आगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की थी, और डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे ये दो ब्रांचेज जो हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। उस फेरेंक्स से ऊपर इसका माउथ मौजूद है और ओरल सकर मौजूद है यहाँ पर, दैट इज़ द ओरल सकर। उसके बाद आगे हमने सीका की भी बात कर ली। अब हमने बात की थी पहले कि ये फीड करते हैं होस्ट सेल को, या फीड करते हैं होस्ट सेल पे या सेल फ्रेगमेंट्स पे। उसके अलावा ये जो फ्लूक है ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं थ्रू देयर बॉडी वॉल, यानी कि अपनी बॉडी वॉल के थ्रू ये डायरेक्टली भी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अब अगर इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो इसकी बॉडी वॉल जो है वो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन को शो करती है। अब इसमें एक टर्म है टिगमेंट। टिगमेंट यहाँ पे इसकी आउटर वॉल, यानी कि इसके अंदर भी अगर हम देखें तो फर्दर इसकी भी एक डायग्राम है जो कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं, सर्च करिएगा टिगमेंट। टिगमेंट हम बेसिकली कहते हैं कि जो इसकी आउटर लेयर है, यानी कि इसकी जो एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर, इसकी जो आउटर लेयर है उसे टिगमेंट कहते हैं। और वो जो टिगमेंट है वो बनाती है सिंकेशियम। अब टिगमेंट हमने बात कर ली कि इसकी आउटर लेयर जो है फ्लूक्स की, ट्रिमाटोडा की, वो कहलाती है टिगमेंट। और ये इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कि ये प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट को अगेंस्ट होस्ट। इट प्रोटेक्ट पैरासाइट अगेंस्ट होस्ट, या फिर अगेंस्ट डाइजेस्टिव इंजाइम कह लें। उसके बाद जो टिगमेंट है ये सिंकेशियम बनाती है। सिंकेशियम हम कहते हैं कि ये कुछ सेल्स होते हैं, फ्यूज्ड सेल, यानी कि सेल आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड सेल को हम सिंकेशियम बोलते हैं। अब ये जो फ्यूज्ड सेल्स हैं ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, बिलो द मसल इन द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में मसल के नीचे जो है सिंकेशियम मौजूद होती है, और ये फ्यूज्ड सेल होते हैं जिनको सिंकेशियम बोलते हैं। अब जो आउटर जोन टिगमेंट है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक, वो एक ऑर्गेनिक लेयर है, और ऑर्गेनिक लेयर इसलिए है कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है। अब ग्लाइकोकैलिक्स का जो है वो फंक्शन क्या है, कि ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करती है, और गैस को क्रॉस दी बॉडी वॉल ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है फ्लूक को अगेंस्ट इंजाइम्स एंड होस्ट इम्यून सिस्टम। अब इसमें कुछ माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे कुछ साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ पाई जाती हैं, और साइटोप्लाज्मिक बॉडी के अंदर न्यूक्लियाई भी हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। अब कुछ सिलेंडर सेल होते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कहते हैं। उन साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ के अंदर साइटोप्लाज्मिक सेल मौजूद हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कहा जा रहा है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं ये उस आउटर जोन, यानी कि वो जो टिगमेंट है उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अभी ये जो बॉडी वॉल है इसमें हमने टिगमेंट की बात की थी कि आउटर लेयर टिगमेंट है और जो बना रही है सिंकेशियम। सिंकेशियम एक फ्यूज्ड सेल है। उसके बाद हमने बात की कि इसमें एक ऑर्गेनिक लेयर होती है टिगमेंट में जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। और ग्लाइकोकैलिक्स का जो है वो काम क्या है, कि वो हेल्प करती है वेस्ट और गैस को क्रॉस दी बॉडी वॉल, और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है फ्लूक को अगेंस्ट एंजाइम एंड होस्ट इम्यून सिस्टम। कुछ माइक्रोविलाई भी इसमें पाए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का काम करते हैं। अब कुछ साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ मौजूद होती हैं बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके अंदर न्यूक्लियाई भी है। अब उसमें कुछ सिलेंडर सेल होते हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हैं ये उस आउटर जोन जिसको टिगमेंट कह रहे हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था क्लास रिमाटोडा का। अब आगे इसकी फर्दर सब क्लासेस हैं। आज हम इसकी सिर्फ एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया। क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया जो है इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लूक्स पाए जाते हैं, और ये इंटरनल है। इंटरनल होगी तो हम उसे कहेंगे एंडोपैरासाइट। ये लार्ज होती है, ओवल होती है, और इसके अलावा हम इसको कहते हैं दे आर लार्ज ओवल होल फर्स्ट ऑर्गन कॉल्ड दी ऑफिस थैप्टर। अब इसमें भी एक अटैचमेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम ऑफिस थैप्टर कह रहे हैं, जो कि इसकी इंटायर वेंट्रल सरफेस को जिसने कवर किया हुआ है। ये इसकी जो इंटायर वेंट्रल सरफेस है इसको इस ऑर्गन ने कवर किया हुआ है, जबकि हमने पहले जो पढ़ा था वो जस्ट उसकी पोस्टीरियर साइड पे पढ़ा था, लेकिन अब इसमें इंटायर जो उसकी वेंट्रल सरफेस है उस एनिमल की उसको इसने कवर किया हुआ है। और ये किस में आती है, किस क्लास में, सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया में आती है। उसके अलावा
ये जो अपिस्टेप्लर है ये क्या है, ये एक लॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन है जो कि रिजिज और सब रिजिज रिजिज और सेप्टा में डिवाइड हुआ हुआ है। अब यहाँ पे ये आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बिल्कुल ये जो सेप्टा है ये इस तरह के हैं कि ये आगे फर्दर जो है ये इस तरह डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ओरल सक्कर एब्सेंट होता है, जबकि हमने ट्रीमाटोडा की जो लास्ट क्लास की बात की थी उसमें हमने बात की थी कि उसमें मौजूद था ओरल सक्कर भी, जबकि मोनोजीनिया में भी ओरल सक्कर मौजूद था। अब यहाँ पे हमने बात की है कि इसमें जो है एस्पिडोगैस्ट्रिया, इसमें ओरल सक्कर जो है वो एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे जो इसका लाइफ साइकिल है एस्पिडोगैस्ट्रियन का, इसमें या तो एक होस्ट होता है, अगर एक होस्ट होगा तो वो मोलस्क होगा, या फिर इसमें दो होस्ट होते हैं। अगर एक होस्ट है तो वो मोलस्क होता है, अगर दो होस्ट हैं तो वो वर्टिब्रेट होगा, यानी कि फिशेज या फिर टर्टल होंगे। और ये दो होस्ट किस वक्त बनते हैं, जब ये कोई भी मोलस्क इंजेस्ट करते हैं, या इट इज़ इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग अ मोलस्क, या ये अपनी खुराक में कोई मोलस्क इंजेस्ट कर लेते हैं तो उस टाइम इसमें दो होस्ट बन जाते हैं, यानी कि वो फिशेज और टर्टल बनते हैं। अगर एक होता है तो ये मोलस्क होंगे। तो ये इसकी सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया है। नेक्स्ट जो सब क्लास डेजेनिया है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्री है, अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ होता है 3 मिलीमीटर, साइज इज 3 मिलीमीटर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो दूसरी क्लास है उसको डिस्कस करेंगे।